साथियों, मुंबई शहर ने लंबे समय तक आतंकवाद की पीड़ा झेली है। एक समय था जब हर कोई यहां बसों में, ट्रेन में, लोकल में डर डर के चलता था। बीते वर्षों में लोगों के मन में सुरक्षा का भाव आया है। यही पुलिस थी, यही सुरक्षा एजेंसियां थी, यही सरकार थी, यही फाइलें थी, लेकिन तब सरकार और थी, आज मोदी है। आज देश में मोदी की सरकार है, आतंक के आकाओं को पता है। भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जनसभा की, जहां उन्होंने मुंबई में होने वाले आतंकवाद पर बोलते हुए हमला किया। उन्होंने बोलते हुए कहा कि आतंक के आका जहां भी होंगे उन्हें मोदी पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। वहीं पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, देखे वीडियो। साथियों, मुंबई शहर ने लंबे समय तक आतंकवाद की पीड़ा झेली है। आतंकवाद से मिले जख्मों को यहां के लोग अब भी भूले नहीं हैं। एक समय था जब हर कोई यहां बसों में, ट्रेन में, लोकल में डर डर के चलता था। लोग सोचते थे कि आज अपने परिवार से मिल पाएंगे या नहीं, घर लौट पाएंगे या नहीं, अनहोनी की आशंका लगी रहती थी। लेकिन बीते वर्षों में लोगों के मन में सुरक्षा का भाव आया है। यही पुलिस थी, यही सुरक्षा एजेंसियां थी, यही सरकार थी, यही फाइलें थी, लेकिन तब सरकार और थी, आज मोदी है। आपको सोचना है कि क्यों जब कांग्रेस सरकार थी तो मुंबई समेत देश भर में आतंकी घटनाएं होती रहती थी। हर जगह आपको लावारिस वस्तुओं का डर दिखाया जाता था। बस में, ट्रेन में बैठते ही सूचना आती थी कि कोई लावारिस बैग तो नहीं पड़ी है, कहीं कुकर तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं टिफिन बॉक्स तो नजर नहीं आ रहा है। अगर दिखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए, ऐसा कहा जाता था। अब ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया, ये सब गया कि नहीं गया? आज देश में मोदी की सरकार है, आतंक के आकाओं को पता है। अगाड़ी वालों को हो या ना हो, भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं।